अरे ओ महारानी, क्या हुआ सासू जी? अकाई सब्जी बनाई है ना, तो एक मायने की झोड़ है ना, पूरा नमक है, किया खावा इन्हें? मुंह से खाओ, मुंह से। अगर इसके अंदर नमक नहीं है ना, तो किचन के अंदर नमक का डब्बा पड़ा है, उसमें से जाओ और नमक ले लो। अगर मैं रसोई में जा नमक ला रही, मायने गालू जंतन काई वास्ते ले रही मैं? हाँ, जितनी जबान चलावे ना बित्ता, अगर तू हाथ चला लिया होता ना तो घर में काम हो जाता। मैं क्यों चलाऊं हाथ? मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? नहीं नहीं, तू तो कटे की माँ रानी है, पड़ी रहे सारा दिन पलंग के माथे पर। थर माँ बाप है ना, खाली बोल बोई सिखायो, तन काम कर बो कौन सिखायो। देखो सासू जी, मेरे तक ही रहो, मेरे माँ बाप पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नहीं तो काई कर ली तू? बढ़िया बढ़िया रिश्ता आता मार बेटा के वास्ते, जो थारे साथ ब्याह कर कर्म खोड़िया में भी का। तो आप जाओ और उन कर्मों को वापस जोड़ लो। इन्हें तो मजो चकानो ही पड़ी, यहाँ कुन मान्या। हेलो, हाँ बेटा। क्या हुआ मम्मी, रो क्यों रही हो? हाँ बेटा, काई बताऊं तन्ने, थारी लुगाई तो मारो जीणो हराम कर रखियो है, की काम कौन कर देवे। एक तोड़ोक सब्जी कमाई ने नमक कम को कह दियो, जितने तुम्हारे गले ही पड़गी। लुगाया का एड़ा एड़ा चौका स्वभाव हुए बेटा, थार लुगाई रो तो स्वभाव एड़ो खराब है, एड़ो कई स्वभाव है इनो, थारा कर्म गणा फोड़ दी। हाँ, और तंटा है मन के भाई कि तू तो काम चोर है। मैं बात करता हूँ। हाँ तू बात कर ले, ठीक अब आई मत जो। हेलो, अरे तुमने मम्मी को क्या बोला, वो रो रही थी? तो इसमें कौन सी नई बात है? तुम्हारी माँ तो जब तक कोई बहस ना कर ले घर के अंदर, उस दिन उनका खाना ही हजम नहीं होता तब तक। तो तुम उनसे लड़ती ही क्यों हो? मैं लड़ती हूँ? पता नहीं कौन लड़ता है क्या करता है, लेकिन तुम लोगों ने ना मेरी जिंदगी को इतना हराम कर रखा है कि मैं समझ नहीं आता क्या करूँ, किसको बोलूँ। देखो तुम ना अपने माँ के पल्लू से बंध के रहना बंद करो, जब देखो तब उनके कहने में आके तुम मुझे फोन करके सुना रहे रहते हो। तुम तो सुबह निकल जाते हो, शाम को घर में घुसते हो, तुम्हें क्या पता दिन भर तुम्हारी माँ यहाँ क्या क्या करती है। जो तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सो के सुनाना है ना, अपनी माँ को सुनाओ, ठीक है ना? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अरे ओ महारानी, घर को काम करता टाइम थारो जीव कट रहे हुए हैं, थोड़ा ढंग को काम करिया कर। देख एक ही कोलर देख कितनी मेली पड़ी है, थोड़ा ब्रश घस दिया कर, हाथ कौन टूटे थारा? तो आप खुद क्यों नहीं घस लेती हो? इतनी लंबी कैची के जियाने की जबान है थारी। थारो तो यानी काम करो मन बिल्कुल पसंद ही को नहीं आवे, आंगना में पोछा लगावे तो फिर ही पूरा आंगना पीला पीला ही दिखे। तो कल से पोछा आप खुद लगाना, पाग ऊपर यहाँ हाथ लगावा ना तो हाथ में रेत आओ। एक तो बढ़िया हीरो वेजियन तो बेटो मरो, जगह के यहाँ की दलदल आई है सूगली कटे की। हेलो। हाँ हेलो, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे तुम्हारी माँ ने तो ना मुझे परेशान करने का जैसे है ना, मतलब मुझे सोच ही लिया है, वो जब देखो तब मुझे काम के लिए सुनाती रहती है, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये साफ नहीं किया वो साफ नहीं किया, नौकरानी बना के रखा है मुझे। अरे यार मैं तुम लोगों के झगड़े से परेशान हो गया हूँ, चाहती क्या हो तुम? देखो तुम या तो अपनी माँ को अच्छे से समझा लो, नहीं तो देख लेना मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं सच कह रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ अभी, तुम टेंशन मत करो। हेलो। अरे मम्मी तुमने क्या कह दिया उसको, वो रो रही थी। अच्छा तो बतन मोती पोत दिया है, वाह बेटा वाह, तू भी के कहना मैं आर मन फोन करे, मन केवे है थार लुगाई ने थार के बाकी हिम्मत कौन पड़े है। अरे मम्मी मैं तुम दोनों को ही समझा रहा हूँ, क्यों लड़ते हो तुम दोनों? हाँ सही बात है बेटा, अब तो माने ही के वो हाँ क्यों, नोनो मिन्ना थन पेट में रख के अब मोटा करिया पालिया पोसिया, रास्ते का लुगाया आएगी जनते माने सुना वो है। बेटा वाह बढ़िया गुलाम बढ़िया दे तो लुगाया का वाह। नहीं नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है मेरी। अरे तू रेबा दे मन सब टाए, अगर यान की बात नहीं होती तो तू लुगाई के बा मार मन फोन कौन कर तो हाँ। तार लुगाई की गलती कौन दिख गया, तन मारी गलती दिख गई है। रेबा दे अब का सुननो है, तो सुनो। अरे नहीं नहीं रे बद काई सुनो है रे बद रे बद। रात की 10 बजबा लगी है, छोरो हाल तक आयो ही कोनी घरे, इतनी देर हो गई है आज ही, अभी तक घर पे नहीं आए। सासू जी ये अभी तक घर नहीं आए। हाँ तो तू लड़ी उली की हो, लजने को नहीं आयो हाल तक घरे। अरे मैं क्यों लड़ूंगी, आपने ही कुछ कहा होगा उनको, तो काल की आयोड़ी है, मैं तो बीच माँ हूँ, माँ मारे जी तो जीव थोड़ी पड़े थारो। अरे अगर आप माँ है ना तो मैं भी उनकी पत्नी हूँ, मेरे को भी तकलीफ उतनी होती है जितनी आपको होती है। पता तू अबे सगला काम थारा ही है। अरे ओ चिंटू मम्मी। अरे भाभी सा थे इतनी रात का क्या आया? अरे थे दोनों सासू बुआ इतनी जोर जोर हाका कर रही हो,
पूरा मोहल्ला सुनाई दे रही है। मैं क्यों पूछ रहा जाऊँ काई हुई हो? अरे भाभी सा देखो ने, रात की 12:01 लगी है, चिंटू हाल तक घर को नहीं आयो। था की कोई बात हुई की चिंटू? मारी तो कोई बात को नहीं, जरूर आई की क्यों है जने को नहीं आयो वो आज? मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बोला है कुछ? चुप रह तू, सब सारा काम है। अरे बस करो थे दोनों। अरे चिंटू की मम्मी आ तो कहीं टाबर है, पर थे तो 50-60 साल का उबाल आ गया हो, थे तो थोड़ी सब्र ले। अरे था के दोनों सासू बुआ का झगड़ा के मायने वो छोरो कितो पिसी जे, कदी सोचियो भी होते? दिन भर तो आदमी काम धंधो करे, शाम का घरे आवे माँ कंजार बैठे जन तो माँ शुरू हो जावे। थारी लुगाई यान की, थारी लुगाई को स्वभाव यान को, थारी लुगाई यहाँ करियो बिया। लुगाई कंजार बैठे जन लुगाया शुरू हो जावे, थाकी माँ यान की, थाकी माँ यहाँ की, थाकी माँ बिया की। अरे लुगाई ने की केवे तो माँ गले पड़ जावे, माँ ने की केवे तो लुगाई गले पड़ जावे। ये दोनों मिलर तो भी ने ढोल बना रखे हो, अटिन जावे तो अब बजावे, अटिन आवे तो थे बजाओ। पर भाभे सब मैं तो क्यों ही कोनी इशू? अरे आपा तो घर को काम करा, बिग मायने कनी आपा को मत तो दुखे कनी, हाथ दुखे कनी, पग दुखे। आदमी बापड़ा दिन भर तो थकया रहा, शाम का घर आवे बिग बाद में आपा एंग मातंग मायने यान का कचरा भरबो गा। नहीं किया करे घर की कले, पची कले उतंग आर वो आदमी काई करे? के तो कोई के ट्रेन के आगे आर कटर मरे, कोई फांसी लगा ले, के जेर खा ले, के घर छोड़ जा प्रे वे। सगला हुया जावे ने, ए हुया के पच्चे समझ में आवे लुगाया ने के आप काई गलती करी। अगर था के सासू बुआ के बीच में कोई झगड़ो है भी तो था के तक राखो ने, सारो दिन काई आदमी ने फोन कर कर के हो? वो कोई मिन का बीच में बैठो है, कोई धंधा पर बैठो है, कोई मीटिंग में बैठो है, कोई मतलब को नहीं। थारी लुगाई यहाँ, थाकी माँ यहाँ। देखो चिंटू की मम्मी, मारो तो ओई के बोए के घर का काम निवड़िया, पच अगर खाली टाइम बचे ना बड़ा बडेरा करने तो भगवान का नाम लेओ, भगवान का भजन करो, काई फालतू की सिलेस लगा लगा बेटा बहू ने क्यों लड़ानो? ओई रेणा और बहू यही रेणी है, ठीक है हुला दुनिया में घड़ा ही छोकी स्वभाव की लुगाया घनी उतरी, पर था का बेटा के तो बाई काम आई जकी भी लारे आई है, वे छोका स्वभाव वाले बिन रोटियां पोपर कौन गाले? बीननी सर थे भी थोड़ो ध्यान रखो, अगर थाकन खाली टाइम बच रही हो घर को काम करिया पच्चे तो पढ़ाई करो, कोई नौकरी कर लो, कोई छोको काम कर लो, सारो दिन धनी ने फालतू की बात करवा को काई मतलब? था के सासू आई रहनी है, पति बोई रहनो है, बीकी माँ आई रहनी है, फालतू माँ बेटा के बीच में थन क्यों दरार पड़नो? देखो ये छोटी छोटी कड़े के कारण अगर मिनक ने की उजावे नी तो लुगाया के कन्ने पच पछतावा के अलावा की कौन बच्चे? आगे बीच में जो भी मन मुटा आवे, जो भी झगड़ा है थाके तक ही रखो, आदमिया के सामने मत ले जाओ बेने। हे भगवान मार छोरो सही सलामत घर आ जाए, जो आज के बाद की कौन के हूँ बिना? हेलो हाँ चिंटू ले था मम्मी हूँ बात कर। था कन फोन किया आयो? हेलो हाँ मम्मी, दरअसल मैं तुम लोगों के झगड़े से इतना परेशान हो गया था कि डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए मैंने ताई जी से बात की और उन्होंने मुझे ये सारा नाटक करने को कहा, इसलिए मैंने आपका और उसका नंबर दोनों का ब्लॉक कर दिया था। मम्मी आप दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप दोनों के झगड़े में मैं बस अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ, प्लीज मम्मी आप समझो मेरी बात को, मुझे आपकी भी जरूरत है और उसकी भी। हाँ बेटा मैं समझ गई तू काई के बोल जावे, जुको तू घर आ जा है, चिंटू आ रही है।